हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अपन बात कर रहे थे अपने टॉपिक ऑपरेटर की। ठीक है, ऑपरेटर के अंदर अपन ने रैखिक ऑपरेटर के बारे में बात कर ली थी। अब अपन बात करते हैं थर्ड ऑपरेटर या फिर इकाई संकारक। क्या करेंगे थर्ड ऑपरेटर की? थर्ड ऑपरेटर अपना कौन सा है? इकाई संकारक नंबर मुझे नहीं याद है, मेरे हिसाब से थर्ड ही होगा। इकाई ऑपरेटर, यूनिट वेक्टर, सॉरी ऑपरेटर। यदि किसी फलन पर कोई संकारक लगाया जाए, क्या बात कर रहे हैं? इकाई संकारक। यदि किसी फलन पर कोई संकारक लगाया जाए और फलन के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे संकारक को अपन क्या कहेंगे? इकाई संकारक कहते हैं। इकाई संकारक कैसे कहेंगे? यदि किसी फलन पर कोई भी ऑपरेटर लगाओ पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, तो उसको आप क्या कहोगे? इकाई संकारक। मान लो ये अपन ने कोई फलन ले लिया साई, अब इसके ऊपर अपन ने एक आई कैप संकारक लगा दिया। अगर आई कैप संकारक लगा दिया तो इस फलन के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं डी अपॉन डी एक्स ई एक्स। ठीक है, या ये मानो कि अपन ने कोई एग्जाम्पल लिया ई एक्स और इसके ऊपर अपन ने कोई ऑपरेटर लगा दिया डी अपॉन डी एक्स। अगर डी अपॉन डी एक्स ऑपरेटर लगाया तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला, तो इसको आप क्या कहोगे? यूनिट ऑपरेटर। क्लियर है? चलो जी, अब अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा आता है। देखो, शून्य ऑपरेटर, जीरो ऑपरेटर, शून्य संकारक। यदि किसी फलन पर संक्रिया लगाने पर परिमाण शून्य प्राप्त हो जाए, तो फिर ऐसे संकारक को शून्य संकारक कहते हैं। कब कहेंगे? यदि किसी फलन पर संक्रिया लगाने पर परिमाण शून्य हो जाए या परिणाम शून्य प्राप्त होए, तो उसको आप क्या कहोगे? शून्य संकारक। मान लो यहाँ पे आपने कोई फलन ले लिया, इस पे आपने कोई संक्रिया लगा दी। ठीक है, इस फलन पर कोई क्या किया अपन ने? आपने संक्रिया लगा दी, तो फिर इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, तो इसको आप क्या कहोगे? शून्य संकारक। यहाँ जीरो कैप क्या है? एक शून्य संकारक है। अब अपन बात करते हैं संलग्न संकारक। देखो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है संलग्न संकारक। हाँ जी, माना दो संकारक ए कैप व बी कैप है और दो फलन साई व फाई है। क्या कर दोगे आप? दो संकारक ले लोगे ए कैप व बी कैप, दो फलन ले लोगे साई और फाई। मानो आपने इसको ऐसे लिखा बी कैप साई का कॉन्जुगेट, ठीक है, और फाई डी वी वर्ग समाकलनीय। ठीक है, इसको आप कैसे लिख दोगे? साई स्टार फाई, सॉरी एक फाइव डी वी। ठीक है, इसको आपने कैसे लिख दिया? मान लो ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्या किया आपने? कोई दो संकारक ले लिए एक कैप और बी कैप, और दो फलन ले लिए साई और फाइव। ठीक है, आप लोगों ने इन दोनों के ऐसे एडजस्ट कर दिया वर्ग समकलनीय के रूप में। ठीक है, तो अब ये जो संकारक है, ये इसके साथ अगर कोई संबंध बनाता है, यहाँ बी कैप ए कैप दिए गए समाकल संबंध का पालन करे, तो बी जो है वो ए का क्या हो जाएगा? संलग्न संकारक हो जाएगा। क्या बोल रही है कंडीशन? देखो, यदि ये बी कैप जो है वो इस ए कैप के दिए गए समाकल संबंध का पालन करे, वो जब वाला वो जो है ना वो इसका पालन करे, तो
दोनों क्या हो जाएंगे, बी कैप ए का क्या हो जाएगा, संलग्न संकारक। ये जो बी कैप साई है या सॉरी बी कैप जो है ये इस वाली कंडीशन का अगर पालन करे तो ये जो बी कैप है ना ये एफ ए कैप का क्या हो जाएगा, संलग्न संकारक हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इस अवस्था में बी को कौन सी अवस्था में ये बी कैप अगर इसका संलग्न संकारक है तो इस बी को आप किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, ए कैप डैगर से। किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, ए कैप डैगर से। अगर ये वाली प्रोसेस इस वाली प्रोसेस या फिर समाकल का संबंध का पालन करे तो इस बी कैप को इस किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ए कैप डैगर से व्यक्त करेंगे। हेलो जी, अगर व्यक्त करेंगे तो इस डैगर का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। ये जो अपन ने यहाँ पे डैगर लगाया है ये डैगर क्या होता है, मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक्स रूप लेते हैं अपन, क्या करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक्स रूप लेते हैं, तो उसका अपन क्या कर देते हैं ट्रांसफर करते हैं, बाद में अपन उनका कॉन्जुगेट लेते हैं। कोई मैट्रिक्स ले ली उसका अपन ने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद अगर उसका कॉन्जुगेट लिया तो ये दोनों क्रियाएं अगर ट्रांसफर करना और कॉन्जुगेट लेना अगर ये दोनों क्रियाएं एक साथ करते हैं तब अपन उसको क्या बोलेंगे, डैगर का उपयोग करते हैं। तब अपन वहाँ पे क्या करेंगे, डैगर का उपयोग करते हैं। कब करेंगे, जब मान लो मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी चीज़ का आप ट्रांसफर करके उसका कॉन्जुगेट लेते हो ना, फिर वहाँ पे कौन सी कंडीशन लगाओगे, इस डैगर की कंडीशन लगा दोगे। तो देखो अब इसके बात करते हैं अपन गुण की, कि इसके गुण क्या क्या होते हैं, किसके संलग्न संकारक के। मान लो अपन ने एक ऐसे लिख दिया ए कैप बी कैप डैगर, ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे बी कैप डैगर और ए कैप डैगर। ठीक है, ये प्लस नहीं है ये डैगर है, क्या है डैगर है। अब एक चीज और लेते हैं, सेकंड गुण लेते हैं अपन इसका, मान लो ये क्या है ए कैप डैगर है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख दोगे, ए कैप मैंने क्या बताया था यहाँ पे आप लोगों को, संलग्न संकारक तभी कार्य करेगा कब, पहले तो ये सोचो कि संलग्न संकारक कौन सी कंडीशन के अंदर कार्य करता है। जब दो कंडीशन अपन लेते हैं, एक तो बी ले लिया और एक ए ले लिया, तो ये ए और बी कैप का डैगर लिया तो अपन ने इसको कैसे लिखा, ऐसे लिखा। अगर इस ओनली ए का ही अपन ने डैगर लिया है तो इसको आप कैसे लिख दोगे, ऐसे लिख देंगे। चलो अब अपन नेक्स्ट गुण की बात करते हैं, मान लो ई कैप प्लस बी कैप का डैगर ले लिया तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग, या प्लस माइनस कर दो, तो ए कैप का डैगर प्लस माइनस बी कैप का डैगर लिख दो, कुछ भी नहीं है। अब मान लो एक गुण और है इसका ऐसे कि ए बी प्लस बी ए का डैगर, इसको कैसे लिखोगे भाई आप लोग, चलो पहले उसकी तरह बना लो इसको, ए कैप बी कैप का डैगर प्लस बी कैप ए कैप का डैगर। ठीक है, तो ये कौन से रूप में आ गया, इसके रूप में आ गया, तो इसको इसको उसी रूप में लिखो, कैसे लिख दोगे आप लोग, ए कैप सॉरी कैसे लिखा है, ए बी को बी पहले लिखा है ना, बी कैप डैगर ए कैप डैगर और प्लस ए कैप डैगर और बी कैप डैगर, इसको कैसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे। अगर माइनस आ जाए तो माइनस भी लगा देना यहाँ पे। ये इसके संलग्न संकारक के कितने गुण होते हैं,
चार गुण होते हैं। ठीक है, आ सकती है कि संलग्न संकारक को डेफिनेशन सहित उसके गुण को लिखो। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर अपना आता है हर्मिटी संकारक। कौन सा संकारक? हर्मिटी संकारक। चलो जी, बात कर लेते हैं अपन अपने हर्मिटी संकारक की। नेक्स्ट कौन सा है? हर्मिटी येलो जी, हर्मिटी ऑपरेटर। हर्मिटी ऑपरेटर किसे कहते हैं? माना दो तरंग फलन साई व फाई है और एक संकारक एक एफ है। यदि कोई संकारक स्वयं का संलग्न संकारक हो तो एज संकारक को आप क्या कहोगे? हर्मिटी संकारक कहोगे। क्या बोला इसने? माना दो तरंग फलन किसके अंदर? इसके अंदर। कितने तरंग फलन? दो तरंग फलन। माना दो तरंग फलन साई व फाई हो और एक संकारक हो ए कैप। यदि कोई संकारक स्वयं का संलग्न संकारक हो तो ऐसे संकारक को क्या कहोगे? हर्मिटी संकारक कह देंगे। तो चलो आ जाओ, कंडीशन लिखते हैं। ए कैप साई का स्टार फाई डीवी इक्वल साई स्टार ए कैप फाई डीवी। बोला क्या इसने? संकारक अपन ने ओनली वन ही लिया है, पर तरंग फलन वो ही दो लिए हैं। तो यहाँ ए क्या हो जाएगा? देखो, ये वाली कंडीशन इस वाली कंडीशन का पालन कर रही है। किसके अकॉर्डिंग? पीछे कौन सा संकारक पड़ा था भाई? उसके अकॉर्डिंग। ये वाला जो संकारक ए कैप है, ये इस वाले ए कैप का पालन कर रहा है समाकलन का। तो यहाँ पे ये जो ए कैप है वो क्या हो जाएगा? स्वयं का संलग्न संकारक है। तो ए कैप क्या है? यहाँ पे हर्मिटी संकारक है। तो क्या इसको आप ऐसे लिख दोगे? ए कैप का संलग्न संकारक क्या होता है? ए कैप होता है। क्लियर है? यहाँ पे ये क्या है? इसका हर्मिटी संकारक का गुण होता है। क्या होता है? हर्मिटी संकारक का गुण होता है। चलो जी, अब अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट ऑपरेटर आता है कौन सा? रैखिक संकारक। यदि कोई संकारक दी गई शर्त का पालन करे तो उसे क्या कहेंगे? एकिक संकारक कहेंगे। वो क्या था? इकाई था, यूनिट था। ये क्या? यूनिटरी है। तो इसको क्या कहोगे? एकिक संकारक। किसको कहोगे? यदि कोई संकारक दी गई शर्त का पालन करे तो उसे एकिक संकारक कहते हैं। मान लो यहाँ पे आपने कोई ले लिया यू कैप डैगर और साई कैप इक्वल कितना होता है? वन होता है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो यू कैप डैगर इक्वल यू यूनिवर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ना। तो चलो, यहाँ यू यूनिवर्स, यू कैप यूनिवर्स एक एक संकारक का प्रतिलोमी है। तो कहने का मतलब क्या है? यदि किसी संकारक का संलग्न संकारक उसके प्रतिलोमी के तुल्य हो। क्या बोला? यदि कोई संलग्न संकारक उसके प्रतिलोमी के तुल्य हो तो उसको आप क्या कह दोगे? एक एक संकारक कहते हैं। यहाँ पे यू कैप जो है उसको आप क्या कहोगे? एक एक संकारक कहोगे। चलो जी, ये अपने थे कुछ ऑपरेटर। हाँ जी,
अब अपन बात करेंगे सभी संकारक जो अपन ने पीछे पढ़े थे कि सिद्ध करो कि सभी संकारक क्या है, हर्मिटी संकारक है। अपना एक क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करो सिद्ध करो कि दिए गए संकारक हर्मिटी संकारक है। आ जाओ जी, अब संकारक कौन कौन से दिए गए आपको, देखो एक तो ले लो आप ई कैप इक्वल आर टा एच का डेल अपॉन डेल टी, एक आप ले लो पी एक्स इक्वल माइनस आयोटा एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, हाँ जी एक आप ले लो। चलो आज इन दो की बात करते हैं अपन, ठीक है, ये दो अपने अपन प्रूव करते हैं, इसके बाद दो और हैं वो कल बात कर लेंगे अपन, या फिर अगर आज होंगे तो अपन आज ही बात कर लेंगे, फिर मैं उसके अंदर लिख दूंगी। तो देखो पहले अपने को ये प्रूव करना है कि ये क्या है, हर्मिटी संकारक है। फिर अपने को ये वाला भी प्रूव करना है कि ये क्या है, हर्मिटी संकारक है। तो चलो आ जाओ फर्स्ट की बात करते हैं अपन। माना तरंग फलन साई है और यदि ए कैप हर्मिटी संकारक है तो वह दिए गए समाकल संबंध का पालन करेगा। और समाकल संबंध आप लोग जानते हो क्या होता है, ए साई कैप यहाँ पे ऑपरेटर अपने पास सिर्फ एक ही है, कौन सा, ए कैप है। तो जो समाकल रिलेशन लिखेंगे वो अपन ए संकारक के ही अकॉर्डिंग लिखेंगे। और फलन भी कितने हैं अपने पास, एक ही है, ना कि दो है साई और फाई, ओनली एक ही फलन है, कौन सा है, साई है। तो देखो अपन कैसे कर देंगे इसको, साई डी वी इक्वल ए कैप साई, या फिर ऐसे लिखो साई स्टार ए कैप साई डी वी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो, कौन सा प्रूव करने जा रहे हैं, देखो अपन फर्स्ट वाला यही सिद्ध करेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला है क्या है, हर्मिटी संकारक है। यह तरंग क्या है, प्रसामान्यीकृत है। यहाँ पे तरंग क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। तो यह तरंग या फिर यहाँ तरंग प्रसामान्यीकृत है। प्रसामान्यीकृत है तो उसकी कंडीशन आप लोग जानते हो क्या होता है, साई मोड स्क्वायर डी वी इक्वल वन होती है। अगर होती है तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दें, साई स्क्वायर इक्वल साई स्टार साई, लिख सकते हैं, लिख सकते हो। तो पुट कर दो ये वाली वैल्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई स्टार साई डी वी इक्वल वन, क्लियर है। अब इसका अपन क्या कर देंगे, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका क्या कर देंगे, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके जी। अब समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कर दो डी अपॉन डी टी साई स्टार साई डी वी इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अगर समय के हाँ डी अपॉन डी टी है ये लो, अभी ये क्या है, पूर्ण गुणज के रूप में है, क्यों, क्योंकि समाकलन से बाहर है। अगर ये समाकलन के अंदर आ जाएगा तो ये पूर्ण गुणज किसमें,
किसमें लिखोगे? आंशिक अवकलज में परिवर्तित होकर आएगा, तो इसको क्या लिख दो? साई स्टार साई डीवी इक्वल जीरो। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो अब क्या कर देंगे अपन, क्या इसको ऐसे लिख दे एक बार तो यू साई स्टार को कांस्टेंट रखे, वो यू वी वाले फॉर्मूले से अपन क्या कर दे इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? डेल साई स्टार डेल टी साई डी वी, इसको ऐसे लिख दो या चलो छोड़ो, या फिर साई स्टार को कांस्टेंट रख लो और इसके सापेक्ष इसको क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो इक्वल में क्या आ गया? जीरो। अगर जीरो आ गया तो इन दोनों को अलग अलग लिख दो, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी साई डी वी इक्वल माइनस, ये क्या हो जाएगा? साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी डी वी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या कर देंगे? दोनों तरफ माइनस आयोटा एच कट से गुणा करने पर क्या कर देंगे इस कंडीशन को? दोनों तरफ माइनस आयोटा एच कट से गुणा करने पर चलो जी, अगर इसको इस गुणा करते हैं फिर क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा एच कट डेल साई स्टार डेल टी साई डी वी इक्वल, ये माइनस का है और ये भी क्या है? माइनस का है, तो वैल्यू किस में आ जाएगी? पॉजिटिव में आ जाएगी, तो क्या कर दोगे इसको आप यहाँ पे? आयोटा एच कट साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी टी वी। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या कर दोगे इसको? इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाओ ले आओ ब्रैकेट के अंदर भाई, माइनस आयोटा एच कट डेल साई स्टार डेल टी साई डी वी। ठीक है, या फिर ऐसे करो ये लो जी, ओके। अब इसको ऐसे लिख दो साई स्टार, क्या कर लोगे? इसको इसके साथ लिख दो और इसको इसके साथ लिख दो, तो लो डेल साई अपॉन डेल टी और ये साई स्टार को बाहर ले लो। ये क्या किया? अरे इस साई स्टार को बाहर निकालो यहाँ से, इसको आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये लो साई स्टार डी वी, स्टार का मतलब होता है कॉन्जुकेट, ओके। चलो जी, अब आप लोग एक चीज जानते हो, चूंकि ई कैप इक्वल क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑपरेटर लिखवाए थे, तो आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी होता है कि नहीं होता? वहां पे ऐसा कुछ बताया होगा, तो अब ये वाली वैल्यू क्या कर दोगे? यहाँ पे पुट कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा? माइनस ई, या फिर ई साई स्टार, इसको ऐसे लिखो देखो, ई साई स्टार साई डी वी इक्वल, इसको कैसे लिख दोगे? ई साई साई स्टार डी वी। ठीक है, यही अपने को क्या करना था? प्रूव करना था कि ये जो ऊर्जा वाला ऊर्जा संकारक जो होता है वो भी क्या होता है? अपना हर्मिटी संकारक होता है। इसको ऐसे शिफ्ट करके लिख दो भाई, देखो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख देना आप लोग, तो हेलो जी, यही अपने को क्या करना था? प्रूव करना था। तो कहने का मतलब क्या है, जो अपना ऊर्जा संकारक होता है वो भी क्या होता है? एक हर्मिटी संकारक होता है। तो चलो जी, ऐसे ही अपन सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। देखो
जल्दी जल्दी कर लो, कोई दिक्कत ना है। आ जाओ जी, फर्स्ट क्या अपन को ऊर्जा ऑपरेटर को हर्मिटी संकारक प्रूव करना था, सेकंड क्या है संवेग संकारक है। अगर संवेग संकारक है तो इसके लिए अपने को दो फलन लेने होंगे, ठीक है। तो देखो, माना दो तरंग फलन साई व फाई है, तो बात कौन सी की कर रहे हो, संवेग संकारक की। आप लोगों को पता है कि संवेग संकारक कैसे लिखते हैं, देखो डेल अपॉन डेल एक्स, कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो साई स्टार फाई डीवी इक्वल, पर तीन लिए ना अपन ने, तीनों एक्सिस के लिए है संवेग संकारक। संवेग की बात करें तो संवेग वाई में भी होता है, एक्स में भी होता है और जेड में भी होता है। तो क्या कर लोगे, कैसे लिखोगे फिर इसको, इसीलिए इस रूप में लिखोगे डी एक्स डी वाई और डी जेड इक्वल साई स्टार फाई। चलो हाँ जी, अब एक काम करते हैं अपन, ये लिखते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अब अपने को बात किसकी करनी है, देखो यहाँ पे अक्ष वाले की बात करनी है, ठीक है। किसकी बात करनी है, अक्ष वाले की बात करनी है। तो अगर अक्ष वाले की अपन यहाँ पे बात करेंगे तो अपने पास कितने बच जाएंगे, डी वाई और डी जेड बचेंगे। अगर अक्ष की बात कर रहे हैं तो इसके अपन लिमिट लगा देंगे, अक्ष इक्वल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो चलो लिमिट लगा देते हैं, देखो अपन इसके यहाँ पे अक्ष की बात कर रहे हैं इसलिए वाई और जेड दो बार ही डिफरेंशिएशन होगा, क्यों, क्योंकि अक्ष की तो अपन बात कर ही रहे हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये साई स्टार फाई और अक्स इक्वल माइनस इन्फिनिटी से अक्स इक्वल प्लस इन्फिनिटी और ये क्या बच जाएंगे, डी वाई और डी जेड। क्लियर है यहाँ तक। चलो, अनंत पर फलन का मान क्या होता है, जो भी आप फलन लोगे उसका अनंत पर मान क्या होगा, शून्य होगा। ये फलन है, आपने दो फलन ले रखे हैं ना, और एक कंडीशन भी क्या लगा रखी है, अनंत पर लगा रखी है। तो कंडीशन क्या बनती है कि अनंत पर फलनों का मान हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो फलनों पर अनंत का मान शून्य होता है, ठीक है। फलनों पर अनंत का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आप लोग इसको कैसे लिख दोगे, डेल अपॉन डेल एक्स साई स्टार फाई डी वाई डी जेड, सॉरी ये कंडीशन यहीं तक थी, ठीक है। अब ये तो अपन ने एक कंडीशन लगाई है उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, पर लागू तो इसी के ऊपर होगी ना, तो क्या हो जाएगा, ये डी एक्स डी वाई और डी जेड इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। फिलहाल अपन ने यहाँ पे इसको जीरो नहीं माना है, इसको इस रूप में लिखेंगे तभी तो ये कंडीशन लगाएंगे, ये कंडीशन आएगी तो इसी को यूज करके अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो अपने पास क्या आ गया, अब आप लोग जानते हो इसके अकॉर्डिंग, पीछे कहीं पढ़ा होगा मैथमेटिकल में या उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, डी एक्स डी वाई डी जेड, सॉरी थर्मोडाइनेमिक्स में इसको आप क्या बोलते हो, डी वी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल क्या होता है, जीरो। क्या पागल जैसी बात कर रहे हो, ये देखो डी वी लिखते हो
तो क्या अपन इसको यहाँ पे ऐसे लिख दें, डेल अपॉन डेल एक्स साई स्टार फाई डी वी इक्वल जीरो लिख सकते हैं ना। चलो अब क्या कर दोगे, वैसे ही एक बार इसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दो और एक बार इसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दो। अरे भाई अगर ये इसको डी वी लिख ही दिया है तो ये तीन इंटीग्रेशन यहाँ से हटा के ओनली क्या कर दोगे, वन लगा दो। तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, ये देखो डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स साई सॉरी फाई डी वी और ये प्लस ये क्या आ जाएगा इसके अंदर, साई स्टार को तो यू का यू छोड़ दो और डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी वी, ठीक है इक्वल में क्या चल रहा है, जीरो। क्लियर है यहां तक। अब अपने पास वो ही पीछे वाले के अकॉर्डिंग कंडीशन आ गई, देखो कौन सी, इन दोनों को अलग अलग कर दो तो कैसे लिख दोगे आप लोग, डेल साई स्टार डेल एक्स फाई डी वी इक्वल माइनस साई स्टार डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी वी। क्लियर है, वैसे ही पीछे वाली की तरफ से दोनों को क्या कर दोगे, आयोटा एच कट से गुणा कर देना और गुणा करने के बाद आप लोगों के एक पास कंडीशन आएगी ये वाली माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, इसको आप कैसे लिखते हो ये देखो इस रूप में। तो वहाँ पे आप लोग क्या करोगे, पी एक्स की वैल्यू पुट करोगे, सोल्व इसको करोगे, इसको आयोटा एच कट से गुणा करना, गुणा करने के बाद आप लोगों के पास एक ही कंडीशन आएगी, वहाँ पे कंडीशन ये आएगी तो वहाँ पे पी एक्स की वैल्यू पुट कर देना और लास्ट में आप लोगों की कंडीशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे पी एक्स कैप साई स्टार फाइव डी वी इक्वल और ये क्या हो जाएगी, साई स्टार पी फाई डी वी, ठीक है। तो इससे भी अपन ये प्रूव कर सकते हैं या प्रूव कर देते हैं कि ये जो है सॉरी पी नहीं है भाई यहाँ पे अक्ष है, तो इससे भी अपन प्रूव कर सकते हैं कि संवेग संकारक जो होता है वो भी एक हर्मिटी संकारक हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। चलो जी इससे नेक्स्ट बात करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।